चिंता मत करिए, हाँ हम लोग ऐसे ही मत देखे थे। हेलो, मारने वालों के खिलाफ मैं हूँ, मैं ताकतवर लोगों के खिलाफ हूँ। मैंने कभी कोई पीएम सीएम को कुछ नहीं समझा। पीएम और सीएम कोई रहे, कोसी सीमांचल का पीएम सीएम गरीब जनता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो पीएम ही रहेगा। न्याय में कमी नहीं होगी, इसी की लड़ाई को है। हम इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे। यदि भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर खत्म नहीं हुआ, या तो मैं रहूंगा या तो इस कोसी सीमांचल का पदाधिकारी रहेगा। महाभारत क्या होगा? जो महाभारत हुआ होगा तब हुआ होगा। जो पप्पू यादव लड़ता है वो महाभारत से बड़ी लड़ाई है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। डॉक्टर का माफिया के लिए जहां जाओ वहां तुरंत में 1,000,000 का भीड़, जहां जाओ 40,000 का भीड़, जहां जाओ मार दो। बीमारी कोई कालाजार का दवाई खिला दो, कालाजार बना के मार दो। छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम अपनी मां बहनों से कहना चाहते हैं, आपकी हिफाजत और आपकी सुरक्षा पप्पू यादव की जिम्मेदारी। हम अपनी एक भी बेटी और मां को आज तक कमजोर होने नहीं दिए। हम लड़े, हर लड़ाई को लड़े, चाहे यूपीएससी की लड़ाई हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, चाहे टीचर का हो, आंगनबाड़ी का हो, ममता का हो, आशा का हो, चाहे रसोईया का हो, हर लड़ाई को पप्पू यादव ने लड़ा। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें पप्पू यादव ना लिया। चाहे मदरसा का हो, चाहे मदरसा शिक्षक का हो, उर्दू शिक्षक का हो, दंगल का हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली में हम पर गोली चली हो। आज बिहार की दुर्गति क्यों हुई? हम बंटवारा नहीं चाहते। हमने अडवाणी के हाथ से बीच छीन लिया। क्यों आज बिहार की स्थिति? क्यों आज बिहार में 80% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन? क्यों आज 7% भी दिए नहीं दिया? क्या कारण है कि 99% लोगों के हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं? दुनिया के गरीबों का आंसू पोंछ पाऊं, ताकि मैं दुनिया की इज्जत कर पाऊं, ताकि मैं हर धर्म मजहब के विचारों की इज्जत कर पाऊं, ताकि मैं हर इंसान की इज्जत कर पाऊं भगवान की तरह। इतना दुआ देना, इतना आशीर्वाद देना कि पप्पू यादव जब तक जिंदा है किसी के कमजोर के आंख में आंसू नहीं आए। मेरी जिंदगी आपकी हिफाजत है, आपके साथ है। आप पर उंगली उठने वाले का हम हाथ काट लें, लेकिन किसी गरीब पर हम उंगली नहीं उठेंगे। वो कोई जात हो, मुझे जात का पता नहीं है, मुझे हिंदू मुसलमान का पता नहीं है। मैं सिर्फ इंसान हूं। मैं बिहारी नहीं हूं, मैं भारतीय इंडियन खाली नहीं हूं, मैं इंसान भी हूं। और एक इंसान दूसरों को भगवान मानता, दूसरों की इज्जत करता, दूसरों का पैर छूता। इसलिए जितनी मदद मैं कर सकता हूं, आप घर में रहना, आपको कोई आके तंग कर लिया कभी, कोई थानेदार सीओ बीडीओ डीएम और एसपी आपसे पैसा मांग लिया 3 महीने के अंदर, तो समझना पप्पू यादव बिहार छोड़ देगा। कर्जा को बार रूप कैसे करें? कर्जा का कटाव कैसे हो? बराबरी ये जो इलाका हमारा जो बाढ़ से भर जाता है, हम एक फसल पर मर जाते हैं, किसान बर्बाद हो जाता है, किसान को मार दिया इस देश के पीएम ने। जो इलाका है यह स्थिति ऐसी नहीं है। ये जो परिणाम पूर्णिया है, ये हर घर के दिल के टुकड़ा बनना चाहते हैं। हम हर घर के उम्मीद, उसके सपने, उसका विश्वास बनना चाहते हैं। मैं न्याय चाहता हूँ, मैं आजादी चाहता हूँ पूर्णिया कटिहार का। मुझे जूट मिल पूर्ण चाहिए, मुझे चीनी मिल चाहिए, मुझे विशेष पैकेज चाहिए, मुझे चाहिए
हर कीमत पर मकान बन सकती, 1.25 करोड़ पलायन रोको, हमारे बिहारी बाहर नहीं जाएंगे, कोसी सीमांचल के लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमारी गरीबी खत्म करो, हमें आजादी दो, हमें बेरोजगारी से दूर करो। ये यात्रा है कोसी सीमांचल की आजादी का, पूर्णिया कटिहार की आजादी का, बाढ़ से मुक्ति का। जब तक बाढ़ हमें मुक्त नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए 3 मार्च को रंगभूमि में आर पार की लड़ाई होगी और इसी लड़ाई के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेता कुर्सी के लिए लड़ेंगे, हम सीमांचल और बिहार के करोड़ों करोड़ आने वाले अपने बेटे और अपने भाइयों की जिंदगी के लिए लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल है कि पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।